दोस्तों मेरा नाम दीपक है और आप देखें मेरा चैनल टीटी ट्रिक वर्ल्ड। दोस्तों अधिकांश लोगों की ये दिक्कत आती है कि उनके व्यूज़ नहीं आते हैं। दोस्तों मैंने काफ़ी चैनल्स को देखा है, काफ़ी मैंने आईडीज़ को देखा है, अकाउंट्स को देखा है, तो मैंने ये पाया कि हमारे इस टिकटॉक पर तीन प्रकार के लोगों को दिक्कत आती है। पहले वो लोग जिनके पास हमेशा 30, 60 या 100 व्यू तक, लास्ट उनके 100 व्यू तक आते हैं, 100 के अंडर में ही आते हैं उनके व्यू, इससे ऊपर उन व्यू नहीं जाते। और यदि इन लोगों की बात करूँ लाइक की, तो लाइक इनके पास सिर्फ आते हैं मैक्सिमम 25 से 30, वरना हर वीडियोस के अंदर इनके पास लाइक आएंगे 7, 8, 9, 10 या 15, हद से 30 लाइक आते हैं इनके पास में बस। सेकंड वो लोग आते हैं जिनकी वीडियोस 600, 700 और 1000 व्यू तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके आगे नहीं जाती, और उन लोगों के व्यू 20, 30, 40, 60 और मैक्सिमम 100 तक पहुँच जाते हैं। दोस्तों थर्ड पर्सन वो आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारी एक वीडियो वायरल हो गई, लेकिन उसके बाद हमारी एक भी वीडियो ना ज़्यादा व्यू आ रहे हैं और ना ही ज़्यादा फॉलोअर बढ़ रहे हैं, बल्कि वो एक वीडियो के ऊपर ही हमारे सारे फॉलोअर हो चुके हैं और उसके बाद में हमारे पास ना तो फॉलोअर आ रहे हैं और ना ही लाइक आ रहे हैं। दोस्तों मैं बात करूँगा अपने पहले वाले कंटेंटेंट की, जिनके पास हर वीडियोस पर 100 व्यू से अधिक नहीं हो रहे हैं, तो उनका अकाउंट हो सकता है 90% चांस हैं कि उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, क्योंकि वो उन्होंने दो गलतियों में से एक गलती पक्की करी होगी, या तो वो महीनों या हफ्ते में सिर्फ एक बार वीडियो बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, या फिर वो लोग एक काम करते हैं कि वो किसी दूसरे की वीडियो लाकर अपने इस पर पोस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है। मैं बात करता हूँ नंबर सेकंड की, जिनके पास 1000 व्यू तक आते हैं और करीब करीब 100 तक लाइक आते हैं। दोस्तों वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग कंटिन्यूटी में काम नहीं करते, उनका अकाउंट फ्रीज नहीं है, वो बस कंटिन्यूटी में काम नहीं करते। वो लोग एक दिन करते हैं, फिर 3 दिन गैप, फिर 1 दिन करते हैं, फिर 3 दिन गैप, इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, इसलिए उनका अकाउंट एक ही जगह पर स्टे रहता है और उससे आगे उनका अकाउंट नहीं जाता। दोस्तों चांस है कि हो सकता है उनका अकाउंट भी फ्रीज हो गया हो, लेकिन यदि फ्रीज हो चुका है तो उनके पास ये व्यू घटने चालू हो जाएंगे। यदि आपके व्यू भी 1000 से या इससे कम हो रहे हैं, तो आशा हो सकती है कि आपका अकाउंट ये फ्रीज हो गया हो। यदि आपका ये 1000 से 1100-1200 हो रहा है, तो फिर आपका अकाउंट फ्रीज नहीं है, और आप प्लीज़ कंटिन्यू टाइम काम कीजिए और जो न्यू हैशटैग्स हैं उनका प्रयोग कीजिए। दोस्तों मैं बात करूँ नंबर थर्ड की, नंबर थर्ड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनकी सिर्फ एक वीडियो वायरल हुई है, दो वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद में उनकी एक भी वीडियो वायरल नहीं हुई है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। दोस्तों जिन लोगों ने उनकी एक वीडियो वायरल की है, उन लोगों ने ये चाहा कि शायद सेकेंड वीडियो भी उनकी उसी टाइप से आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने पहली वीडियो कॉमेडी बनाई, चाहे VFX की बनाई, वो लोगों को अच्छी लगी, लेकिन सेकेंड वीडियो उन लोगों ने डाली वो उसके रिलेवेंट की नहीं थी, बल्कि वो उसकी कुछ अलग ही थी, जिस कारणवश जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी, वीडियो पहुंची उन सब तक, लेकिन उन लोगों ने ज़्यादा उससे रेस्पॉन्ड नहीं किया, उन लोगों ने उस वीडियो को आधा भी नहीं देखा और उसको स्लैश यानी कि उसको आगे कर दिया, जिस कारणवश टिकटॉक समझ गया कि शायद अब इनकी इस वीडियो में ज़्यादा दम नहीं है, और ठीक उन लोगों ने देखकर वीडियो आपकी आगे नहीं की, जिस कारणवश टिकटॉक ने आपकी सिर्फ उसी वीडियो को वायरल किया, अदरवाइज किसी को नहीं किया। दोस्तों बताना चाहूँगा, यदि आपकी एक वीडियो वायरल हो चुकी है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके रिलेवेंट में ही दूसरी वीडियो बनाएं। यदि आपकी एक वीडियो वायरल हुई है VFX की, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी वीडियो बनाएंगे आप, सबके सब उसी ही फील्ड की बनाएं, ना कि उसके अलग फील्ड की। दोस्तों यदि आपका अकाउंट आपको लग रहा है फ्रीज हो चुका है, मैं बात कर रहा हूँ अपने फर्स्ट सेकेंड वालों की, तो आप एक काम कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो मैंने खुद किया है, यदि आपको लग रहा है ऐसा, तो आप एक सिंपल काम कीजिए, अपने अकाउंट को लॉग आउट कीजिए और अपनी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और अपने फ़ोन को ऑन ऑफ करने के बाद दोबारा वही काम कीजिए, गूगल प्ले पर जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, दोबारा से आप आईडी लॉगिन कीजिए और फिर दोबारा से आप लोग काम चालू कर दीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आपको ये पता करना है कि आपकी आईडी वाकई में फ्रीज हुई है या नहीं हुई है, तो आपको 3 हैशटैग जो मैं आपको नीचे दे दूंगा, पहला #TikTokIndia, दूसरा #ForYouPage और थर्ड #ForYou, ये तीनों आपको लगाकर चेक करने हैं।
ये तीनों लगाने के बाद यदि आपके व्यू ग्रो करते हैं पहले से ज़्यादा, तो फिर आपकी आईडी फ्रीज नहीं हुई है। अदरवाइज आपकी इनको लगाने के बाद भी यदि आपके व्यू में एक दो भी ग्रो नहीं होते हैं, तो फिर पक्का आपकी आईडी जो है वो फ्रीज हो चुकी है। और यदि आपकी आईडी फ्रीज हो चुकी है, तो मैंने ऊपर एक आई बटन पर एक वीडियो आ रही है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसके द्वारा पता कर सकते हैं कि आप किसी भी वीडियो किसी भी अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें। दोस्तों मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से दे रखा है कि आप किस तरीके से टिकटॉक वालों को मेल वगैरह भेज सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइए मुझे, और मैं आपके लिए वीडियो ऐसे लाता रहूँगा, तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल। और थैंक यू।